Assalamualaikum everyone, myself Ms. Barao and I'm a student of BMS second prof from Jamia Tibbiya Deoband. Today the topic of our discussion will be the most sugary topic, which is diabetes mellitus. Now before jumping into our topic, in this video we will study diabetes mellitus under subheadings. We will study diabetes mellitus under these subheadings, which are introduction, classification, glucose homeostasis, insulin regulation, pathogenesis, clinical features, complication and treatment. Now before jumping into our topic, we should first grab some little knowledge about normal physiology of pancreas. Pancreas anatomically is a single organ, but histologically and functionally it is composed of two distinct parts, which is the exocrine part and the endocrine part. Exocrine part of the pancreas secrete enzymes, whereas the endocrine part of the pancreas secrete hormones. अब डायबिटीज मेलाइटिस के लिए वी शुड नॉट फोकस ऑन टू द एक्सोक्राइन पार्ट, वी विल टॉक अबाउट एंडोक्राइन पार्ट. एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज कंपोज्ड ऑफ अ क्लस्टर्स ऑफ सेल विच इज नोन एज आइल्स ऑफ लैंगरहन. नाउ आइल्स ऑफ लैंगरहन इन टर्न मेड अप ऑफ फोर मेजर टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल विच इज पीपी सेल्स. Here the alpha cell secretes glucagon, beta cell secrete insulin, delta cell secrete somatostatin and PP cell secrete pancreatic polypeptide. Now diabetes mellitus. In Yunani terminology, diabetes mellitus is also known as diabetes shakri. Diabetes mellitus is a group of metabolic disorder sharing a common feature of hyperglycemia. Now break the word and find the meaning. Hyperglycemia means, hyper means excess. Excess of anything is hyper, whereas glycemia means glucose. So when there is excessive glucose in our body is known as hyperglycemia. It is diagnosed when the blood sugar level becomes too high, and it is the leading cause of morbidity and mortality worldwide. Now the countries with highest prevalence of diabetes mellitus are India, Indonesia, US, China and Japan. अगर हम इंडिया की बात करें तो इसका एस्टिमेट जो होता है वो 7% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन है, विच इज़ दैट आउट ऑफ एवरी 100 पीपल इन इंडिया 7 आर डायग्नोज विद डायबिटीज मेलाइटस. इट इज़ दैट कॉमन. नाउ वील टॉक अबाउट द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन द बॉडी, हाउ इट इज़ मेंटेन. तो सपोज इफ देर इज़ अ ब्लड वेसल एंड दिस इज़ अ सेल, दिस इज़ अ सेल. Here we have glucose in our blood vessel. It is a blood vessel. Now what insulin and glucagon does is, if it is insulin here, इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन ट्रांसपोर्ट करेगा ग्लूकोज को फ्रॉम द ब्लड वेसल टू द सेल, और सेल में जाके ग्लूकोज स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. और ग्लूकागन इसके ऑपोजिट काम करेगा, और यहाँ पे जो स्टोर्ड ग्लूकोज है विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो उसको ब्रेक करके वापस ब्लड वेसल्स को देगा. तो जब भी हमारी बॉडी में फास्टिंग कंडीशन होती है तो ग्लूकागन एक्टिव होता है, और जब भी हम मील का इंटेक करते हैं तो इंसुलिन एक्टिव होता है. अब ये हो सकता है कि या तो इंसुलिन बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है या फिर बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है. तो अगर इंसुलिन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता या कम क्वांटिटी में होता है तो उसको हम क्वांटिटेटिव डिफेक्ट बोलते हैं. वेयरएज अगर हमारा इंसुलिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है या वो इतना एफिशिएंट नहीं है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डिफेक्ट, किसकी क्वालिटी में डिफेक्ट है. दोनों ही सिनेरियो लीड करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशंस को. अगर क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया है तो वो सेकेंडरी डैमेज पहुंचाती है मल्टीपल ऑर्गन्स को, और दूसरी चीज़ वो क्या कर रही है, सेल को स्टार्व कर रही है फॉर ग्लूकोज. सेल्स ग्लूकोज को यूज़ करके एनर्जी बना रहे हैं, अब सेल्स के पास ग्लूकोज ही नहीं है. सो सेल स्टार्व फॉर ग्लूकोज डिस्पाइट ऑफ हैविंग अबंडेंट ऑफ ग्लूकोज राइट एट द डोर स्टेप. तो हैव यू एवर हर्ड अ प्रोवर्ब दैट इज समुंदर तले प्यासा. तो दिस इज द सेम एग्जैक्ट सिचुएशन विच इज हैपनिंग विद द सेल्स. सेल्स आर सराउंडेड बाय अबंडेंट ऑफ ग्लूकोज, बट द प्रॉब्लम इज दैट ग्लूकोज कैन नॉट एंटर इन टू द सेल. क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस. डायबिटीज मेलाइटस इज ऑफ टू टाइप, टाइप वन डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस. टाइप वन डायबिटीज मेलाइटस इज ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस,
और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस, ड्यू टू इट्स अकरेंस इन द अर्ली स्टेज और बिलो 35 ईयर्स इट्स यूजुअली अकर, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज जुवेनाइल ऑनसेट. इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो पेशेंट होते हैं विद टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस दे आर मोर प्रोन टू इंसुलिन, दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन फॉर देयर ट्रीटमेंट. सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करती है 90% केसेज ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, जबकि फर्स्ट टाइप जो है वो 10% केसेज को ही कॉन्स्टिट्यूट करती है. डायबिटीज़ मेलाइटिस सेकेंड टाइप को हम मेच्योरिटी ऑनसेट भी बोलते हैं और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोलते हैं. मेच्योरिटी ऑनसेट किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इसका जो अकरेंस है वो अडल्ट एज में होता है या फिर आफ्टर 40 ईयर्स ये अकर करता है. और दूसरी चीज़, इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें इंसुलिन एज अ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है. ये एक मिसनोमर है यहाँ पे. अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है. इंसुलिन टाइप 2 में भी रिक्वायर्ड है पर लेटर स्टेज पे. तो यहाँ पे ये एक मिसनोमर है. नाउ सम रिस्क फैक्टर्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस आर ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, हैबिटुअल फिजिकल इनएक्टिविटी, हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस. अगर आपको ओबेसिटी है या फिर हाइपरटेंशन है तो ये सारे क्या हैं? रिस्क फैक्टर हैं जो डायबिटीज़ मेलाइटिस कॉज कर सकते हैं. आपकी अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, यू आर मोर इनटू सेडेटरी लाइफस्टाइल. रेस एथनिसिटी का क्या है कि कुछ अफ्रीकन्स या फिर एशियंस पैसिफिक आइलैंडर्स होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू डायबिटीज़ मेलाइटिस. और फैमिली हिस्ट्री है अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस को, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए. अब पैथोजेनेसिस डायबिटीज़ की समझने के लिए हमें क्या नॉर्मल फिजियोलॉजी भी तो समझनी चाहिए. पहले हम नॉर्मल इंसुलिन का सिंथेसिस कैसे होता है, उसका रिलीज, उसका एक्शन कैसे होता है, इस सब को पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंसुलिन सिंथेसिस. तो इंसुलिन हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है वो एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ प्री प्रो इंसुलिन. ये जो प्री प्रो इंसुलिन होता है इसमें आपकी एक सिग्नल पेप्टाइड होती है और अल्फा चेन, बीटा चेन और हमारे पास सिग्नल पेप्टाइड होती है और इसमें 86 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. अब इस सिग्नल पेप्टाइड और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है जो कि इनएक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसमें प्रोटियोलाइसिस होती है और क्लीवेजेस होती हैं और फिर ये सिग्नल पेप्टाइड डिटैच हो जाती है. ये सिग्नल पेप्टाइड डिटैच हो गई, अब ये क्या बन गया? प्रो इंसुलिन बन गया. प्रो इंसुलिन के बाद इसमें फर्दर क्लीवेजेस होंगी और ये एक एक्टिव इंसुलिन बन जाएगा, जिसकी वजह से सी पेप्टाइड जो होगा वो डिटैच हो जाएगा और जो हमारा एक्टिव इंसुलिन बनेगा उसमें अल्फ़ा चेन होगी, बीटा चेन होगी. तो अल्फ़ा चेन में 21 अमीनो एसिड्स होंगे वेयर एज बीटा चेन में 30 अमीनो एसिड्स होंगे. टोटल 51 अमीनो एसिड्स हमारे एक्टिवेटेड इंसुलिन में प्रेजेंट हैं. अब ये सी पेप्टाइड का क्या रोल है? सी पेप्टाइड डिटैच तो हो गया, लेकिन सी पेप्टाइड का रेलेवेंस ये है कि सी पेप्टाइड एक सरोगेट मार्कर है फॉर एंडोजेनसली सिंथेसाइज इंसुलिन. जो हमारी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है उसके लिए ये एक सरोगेट मार्कर है. कैसे है हम उसको ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब भी इंसुलिन हमारे ग्रैन्यूल से सेल से एग्जिट होगा तो उसके साथ सी पेप्टाइड भी बाहर निकलेगा. So whatever the amount of insulin is coming out of the cell, the same corresponding amount of C-peptide is also coming out of the cell. तो जो हम बाहर से इंटेक करेंगे इंसुलिन का उसमें C-peptide नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सरोगेट मार्कर है ये. जो हमारा अंदर बॉडी में इंसुलिन बन रहा है उसी के साथ ये प्रेजेंट होगा. अब हमने बात की इंसुलिन के सिंथेसिस की, अब हम देखेंगे सिंथेसिस हो गया, वो बन गया, अब उसका रिलीज़ कैसे होगा सेल्स में से? तो इसके रिलीज़ के लिए जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में वो आता है बीटा सेल्स के पास. ये हमारा बीटा सेल है, बीटा सेल्स पे आता है ये एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो कि होता है ग्लूट टू ट्रांसपोर्टर. यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्टर है ये ग्लूट टू ट्रांसपोर्टर है, इसके थ्रू ग्लूकोज इनसाइड आता है हमारे सेल में. फिर ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में. इस प्रोसेस में एक ATP जनरेट होती है. ये एक ATP जनरेट हुई. अब कुछ भी हमारी बॉडी में जनरेट हो रहा है तो उसका एक पर्पस है ना. तो ATP ये जो जनरेट हुई इसका क्या काम होगा? ये हमारा जो एक पोटेशियम चैनल लगा हुआ है
बीटा सेल्स पे उसको इनएक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस का जो इन्फ्लक्स पहले हो रहा था अंदर वो नहीं हो पाएगा पोटेशियम आयंस का, जिसकी वजह से हमारी मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। डीपोलराइज होने की वजह से एक और चीज़ होगी, वो ये होगा कि जो कैल्शियम आयन चैनल्स प्रेजेंट हैं सेल पे, बीटा सेल्स पे, वो ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम अंदर मूव करना शुरू कर देगी सेल्स में। अब कैल्शियम अंदर मूव करना शुरू कर दिया तो एक्यूमुलेशन हो गया कैल्शियम आयंस का सेल में, जो क्या करता है इंटर्न, इंसुलिन का एग्जिट कराता है सेल से फ्रॉम द ग्रैन्यूल्स। ये हो गया इंसुलिन रिलीज। अब हमने इंसुलिन का रिलीज भी करा लिया, रिलीज़ के बाद अब वो हमारी सर्कुलेशन में है इंसुलिन। अब इंसुलिन एक्ट कैसे करेगा, तो इंसुलिन जो हमारी सर्कुलेशन में है वो बाइंड करता है रिसेप्टर्स के साथ जो कि कुछ टारगेट ऑर्गन्स पे लगे हुए हैं। टारगेट ऑर्गन्स क्या हैं इंसुलिन के लिए, लिवर, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल्स, ये तीनों टारगेट ऑर्गन्स हैं जहाँ पे इंसुलिन के जो टेट्रामेरिक रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट हैं। इनसे इंसुलिन बाइंड करता है और जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है इंसुलिन का सेल पे, इसमें बाइंड किया इंसुलिन ने आके, यहाँ पे क्या हुआ, एक सीरीज़ है इंसुलिन रिसेप्टर सीरीज़, ये स्ट्यूमुलेट होती है। और एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर्स सेल के, वो होता है ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर, इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब ये ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर क्या करता है, ये अपने आप को इम्प्लांट करता है सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स ऑर्गन्स के, जिसकी वजह से ये एक एंट्री डोर बन जाता है ग्लूकोज के लिए, जिसके थ्रू ग्लूकोज अब अंदर आएगा इन रिसेप्टर सेल्स में, ऑर्गन्स में, और ग्लूकोज आके स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लिवर में और स्केलेटल मसल में ये स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जबकि एडिपोज टिश्यूज में ये स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ फैट। नाउ वी विल टॉक अबाउट पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। अब पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 में क्या होगा, यहाँ पे इंसुलिन इनफ क्वांटिटीज में नहीं प्रेजेंट होगा और बीटा सेल डिस्ट्रॉयड हो चुके होंगे, किससे, बॉडी के खुद के टी लिम्फोसाइट से। तो कभी कभी क्या होता है कि साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं और किल करने लगते हैं खुद बॉडी के खुद के सेल्स को, ये सेल्फ रिएक्टिव सेल्स हो जाते हैं। तो बॉडी में एक प्रोसेस होता है इन एबनॉर्मल टी लिम्फोसाइट्स को एलिमिनेट करने के लिए, वो प्रोसेस क्या है, सेल्फ टॉलरेंस। अब मुझ में भी ये प्रोसेस है, कभी कभी मेरे भी टी लिम्फोसाइट्स एबनॉर्मल हो सकते हैं, बहुत नॉर्मल है, लेकिन मेरी बॉडी में जो प्रोसेस चल रहा है टू एलिमिनेट दीज टी लिम्फोसाइट वो क्या है, सेल्फ टॉलरेंस। अब इसीलिए मुझ में डायबिटीज मेलाइटिस नहीं है, लेकिन जो पेशेंट होते हैं टाइप 1 के उनमें ये प्रोसेस टू एलिमिनेट टी लिम्फोसाइट ये हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉयड नहीं हो पाते और ये किल कर देते हैं बीटा सेल्स को। अब ये जो सेल्फ टॉलरेंस लॉस हो रहा है वो सेल्फ टॉलरेंस लॉस जो हो रहा है वो दो वजह से हो रहा है, दैट इज़ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से और इन्वायरमेंटल ट्रिगर की वजह से। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से कैसे हो रहा है सेल्फ टॉलरेंस लॉस, तो ये होता है कि अगर ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये कुछ क्रोमोसोम की पेयर्स हैं, तो जो सिक्स्थ क्रोमोसोम जो होता है उस पर हमारा एक जीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, HLA। इफ़ दिस इज़ अ क्रोमोसोम, यहाँ पे ये जीन प्रेजेंट है HLA इज़ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये जीन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक प्रोटीन बनाता है, जिस प्रोटीन का नाम है MHC प्रोटीन, मेजर हिस्टियोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये जो प्रोटीन बना अब ये हेल्प करेगा टी लिम्फोसाइट्स को टू आइडेंटिफाई कि कौन सा हमारा सेल्फ सेल है और कौन सा हमारा फॉरेन बॉडी सेल है। तो कभी कभी क्या होगा, अगर ये जीन म्यूटेटेड हो गया, इसमें कुछ डिफेक्ट हुआ, ये म्यूटेशन आ गई इसके अंदर, फिर जो इससे प्रोटीन बना वो भी एबनॉर्मल बन जाएगा। अब एबनॉर्मल होने की वजह से, क्योंकि ये गाइड कर रहा था टी लिम्फोसाइट को टू डिटेक्ट कि कौन सा फॉरेन बॉडी सेल है या कौन सा सेल्फ सेल है, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो हेंस टी लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा हमारा फॉरेन बॉडी सेल है और सेल्फ सेल है। इसकी वजह से क्या होगा कि टी लिम्फोसाइट्स एबनॉर्मल होंगे और बीटा सेल्स को किल करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में। अगर हम एनवायरमेंटल ट्रिगर की बात करें तो उसमें एक वायरस होता है जिसका नाम अभी पता नहीं,
एक वायरस है, इस पे एक एंटीजन होता है जिसका नाम है एपिटोप। अब ये सिमिलर एंटीजन हमारे बीटा सेल्स पे भी प्रेजेंट है, इसको मॉलिक्यूलर मिमिक्री भी बोल रहे हैं। सेम एंटीजन प्रेजेंट है हमारे बीटा सेल्स पे, एपिटोप। अब क्या होगा कि इन एंटीजन्स के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी तो ये एंटीबॉडी अब कंफ्यूज होगी और ये इंस्टेड ऑफ किलिंग द वायरस एंड कंपीटिंग विद दिस एंटीजन, इट विल कंपीट अगेंस्ट दिस एंड इट विल डिस्ट्रॉय द एंटीजन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द बीटा सेल्स। हेंस हमारे बीटा सेल डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे और इंसुलिन डेफिशिएंसी फिर से अराइज करेगी। नाउ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो उसमें ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है जो इन्वॉल्व करती है इंटरप्ले को, जेनेटिक भी और इन्वायरमेंटल भी, और इसमें एक प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट भी अराइज करती है। यहाँ पे प्रॉब्लम बीटा सेल्स में नहीं है, नॉर्मल है, इंसुलिन इनफ क्वांटिटीज में प्रेजेंट है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं इंसुलिन के लिए वो प्रॉब्लमेटिक है, वो डिफेक्टेड है, इंसुलिन बाइंड नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है टारगेट ऑर्गन्स पे हो रही है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। इसमें भी कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में क्या है, इसका डिजीज़ कॉन्कॉर्डेंस रेट ग्रेटर देन 90% होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में। दूसरा, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो होते हैं उनका 5 से 10 fold हायर रिस्क होता है ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो ओबेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है इसका, और दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज। ग्रेटर देन 80% ऑफ इंडिविजुअल ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ आर ओबीज। हमें टाइप 1 में ओबीज देखने के लिए नहीं मिलेंगे, टाइप 2 के मोस्टली जो पेशेंट होंगे वो ओबीज होंगे। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें दोनों टाइप 1 और टाइप 2 की, तो टाइप 1 में क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, यहाँ पे पेशेंट मैनिफेस्ट करेंगे यूजुअली एट बिलो 35 इयर्स ऑफ एज, तो बिलो 35 यहाँ पे पेशेंट मिलेंगे 35 इयर्स। और यहाँ पे जो पेशेंट मिलेंगे आपको आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज मिलेंगे, क्योंकि ये मैच्योरिटी ऑनसेट है और ये जुवेनाइल ऑनसेट है। यहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे वो एब्रप्ट होंगे, सिम्टम्स एब्रप्ट, और यहाँ सिम्टम्स स्लो होंगे और इंसीडियस होंगे। दूसरा, तीसरा पॉइंट ये होगा कि जो पेशेंट यहाँ पे आएंगे वो सिम्टम्स कौन से लेके आएंगे, P3 दैट इज़ पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया। यहाँ पे पेशेंट एसिम्टोमेटिक होंगे। यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन आएगी तो वो कीटो एसिडोसिस होगी, और यहाँ पे कीटो एसिडोसिस इनफ्रीक्वेंट होगी। पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया क्या है, पॉलीयूरिया जब भी हमारा ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा होता है। अब ग्लूकोज क्या है, एक ऑस्मोटिक मॉलिक्यूल है। ऑस्मोटिक मॉलिक्यूल होने का मतलब क्या है, अगर कोई ऑस्मोटिक मॉलिक्यूल होता है तो वो वाटर को ड्रैग करता है अपने साथ, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक डाईयूरेसिस होती है और एक्सट्रीम वाटर का लॉस होता है थ्रू यूरिन, तो इसलिए पॉलीयूरिया होता है। पॉलीफेजिया क्योंकि हमारा कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है प्रोटीन्स का और मसल्स का, मसल्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उनका कैटाबॉलिज्म होता है जिसकी वजह से वेट लॉस होता है और इंटर्न पॉलीफेजिया होता है। और पॉलीडिप्सिया क्योंकि हमारी बॉडी, क्योंकि एक्सट्रीम लॉस हो रहा है ना, वाटर का लॉस हो रहा है थ्रू यूरिन, तो क्या होगा, ब्लड कंसनट्रेटेड होगा और जो ब्रेन में ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टिमुलेट होंगे, इन टर्न हमारा पॉलीडिप्सिया की कंडीशन आई। नाउ लास्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। कॉम्प्लिकेशन दो तरह की हो सकती है, एक तो एक्यूट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन, दूसरी लेट सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन। एक्यूट मेटाबॉलिक में हम दो पढ़ेंगे, विच इज़ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, दूसरी हाइपो ऑस्मोलर हाइपोग्लाइसीमिक नॉन कीटोटिक कोमा। पहली में क्या होगा, डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस में
तो एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यूज में जिसका नाम है लिपोप्रोटीन लाइपेज। लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या करेगा, फैट को ट्रांसफॉर्म कर देगा इनटू फ्री फैटी एसिड्स। अब ये जो फ्री फैटी एसिड्स बने ये मूव करेंगे लिवर में, लिवर में इनका एस्टेरिफाइड होंगे ये और कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में। ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए इसका ऑक्सीडेशन होगा और क्या फॉर्मेशन होगा किनका, कीटोन बॉडीज़ का। ये कीटोन बॉडीज सबसे पहले ब्लड में आएंगी जिसको हम क्या बोलेंगे, कीटोनीमिया। कीटोनीमिया, नीमिया मीन्स ब्लड, कीटो इज कीटोन बॉडी। तो जिसकी और उसके बाद ये कीटोन बॉडीज ब्लड में आने के बाद यूरिन में आएंगी जिसको हम कीटो यूरिया बोलेंगे। अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, क्योंकि कीटोन बॉडीज जो हैं वो एक एसिडिक कंपाउंड है, एक एसिडिक होती है नेचर में, तो ये एसिडोसिस कॉज करेंगी। और दूसरी चीज़ क्योंकि ये भी एक जैसे ग्लूकोज हमारा ऑस्मोटिक मॉलिक्यूल था, कीटोन बॉडीज़ भी ऑस्मोटिक मॉलिक्यूल हैं जिसकी वजह से ये वाटर को ड्रैग करेंगी अपने साथ और डिहाइड्रेशन की कंडीशन आएगी। ये दोनों ही प्रॉब्लम्स लीड करेंगी कोमा को और डेथ को। नाउ लेट सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस में अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे अच्छे से और कोई डाइट फॉलो नहीं हो रही, कोई कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही, तो हमारी जो एंड ऑर्गन्स होंगी अब वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। जैसे न्यूरॉन्स जो नर्व्स आ रही हैं ब्रेन से उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, उनमें स्वेलिंग हो सकती है, वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से सेल बर्स्ट कर जाते हैं और न्यूरोपैथी होती है। अगर नेफ्रोन्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नेफ्रोपैथी होगी, दैट इज़ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और अगर रेटिना में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको रेटिनापैथी होगी, रेटिना सेल्स भी स्वेल कर जाते हैं और बर्स्ट करते हैं वाटर के एक्यूमुलेशन से। लास्टली वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो हम इसको तीन तरह से क्योर कर सकते हैं। पहला इंसुलिन देके, इंसुलिन बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ के लिए, लेकिन सिर्फ इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि इंजेक्टेबल फॉर्म्स में होता है एंड इट हैड टू बी टेकन 2 to 4 टाइम्स अ डे, जो कि एक हेक्टिक टास्क हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स की बात करें तो ये कुछ ड्रग्स अवेलेबल होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं हमारी मार्केट में जो कि ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं, जैसे कि सल्फोनाइल यूरिया जो प्रेजेंट है। अब नाउ अंडर यूनानी सिस्टम जो ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ मेलाइटिस का, वो दैट इज़ वंडरफुल एंड वी हैव अ मेजॉरिटी ऑफ सिंगल ड्रग्स एंड कंपाउंड फॉर्मुलेशंस एज वेल। इन सिंगल ड्रग्स इफ़ आई टॉक अबाउट, तो देर इज़ जामुन विच इज़ सिजीजियम क्यूमेनाए जो कि रिड्यूस करती है ब्लड शुगर लेवल को। अनदर वन इज़ हल्दी, दैट इज़ कुरक्यूमा लोंगा, और ये भी हमारी इसके पास एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस ड्रग के पास। दूसरी हमारी थर्ड वन इज़ आमला, दैट इज एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, और ये हमारी इम्प्रूव के, ये इंसुलिन के फंक्शन को इम्प्रूव करती है और ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो वी हैव कुर्सेज़ियाबेटिस एंड वी हैव अनदर कंपाउंड विच इज़ सफ़ूफ़ेज़ियाबेटिस विच इज़ अवेलेबल इन आर जामिया रेमेडीज़ एंड इज़ सुपर इफेक्टेड फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस। नाउ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये जो तीसरा ट्रीटमेंट है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाकी दोनों से, और ये हमारे हाथ में है, ये ट्रीटमेंट हम खुद से कर सकते हैं और आई एम श्योर कि हम 50% ऑफ द डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं बाय दिस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्योंकि हमें पता है अब डायबिटीज़ क्या है, एक लाइफस्टाइल डिज़ीज़ है, तो हमारी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे। तो सेम सिनेरियो हो रहा है डायबिटीज़ के साथ, डायबिटीज़ अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छी हेल्थ नहीं है हमारी और बहुत अच्छी डाइट नहीं है, तो हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम इन प्रॉब्लम से, हम कैसे अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से किस तरह सेव कर सकते हैं अपने आप को या कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज़ को, तो पहला अगर हम रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज करें, क्योंकि क्या करती है रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज, ये हमारी इंसुलिन के रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करती है। दूसरी चीज़ क्या करती है, ये हमारी ओबेज नहीं होने देती, ओबेसिटी को रिड्यूस करती है, ओबेसिटी को होने नहीं देती, क्योंकि ओबेसिटी खुद एक कॉज है डायबिटीज़ मेलाइटिस का। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस डाइट लें एक, उसमें हम इंक्लूड करें वेजिटेबल, बीन्स, नट्स, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे हम क्योर कर सकते हैं डायबिटीज़ को। और वहीं दूसरी साइड पे अगर हम फैटी फूड ले रहे हैं, हाई कैलोरिक कंटेंट फूड ले रहे हैं और ऐसी ड्रिंक्स ले रहे हैं जो कि अनहेल्दी हैं बॉडी के लिए, तो वो सब नहीं, हम उनसे नहीं बच सकते, हम डायबिटीज़ मेलाइटिस से नहीं बच सकते अगर हम वो सब चीज़ें नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो
मैं तो कहती हूँ कि अगर आप ड्रग्स प्रेफर नहीं करते हैं, तो आप लाइफस्टाइल को अपना ऐसा मॉडिफाई करिए कि आप उससे क्योर कर सकते हैं अपनी डिजीज़ को. सो दैट्स ऑल अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटिस. होप यू ऑल लाइक माई वीडियो. थैंक यू.